विदाउट चेंजिंग मीनिंग। ठीक है, तो चलो एक्सरसाइज टू के अंदर फर्स्ट एग्जाम्पल लिखो। When they were ready, the clock tower,
पाउंड स्टार्ट करना है दोस्त बीइंग से स्टार्ट करना है यहां पर लिख रही हूं दोस्त बीइंग फाइनल थिंग्स इन लाइफ डेट निकल जाएगा ओके दोस्त बीइंग फाइनल थिंग्स इन लाइफ मेक लाइफ फॉर creates form
आंसर क्या होगा? नेचर बीइंग अ सुप्रीम आर्टिस्ट sentences. Using participle. Picking up the gold
एंड निकल जाएगा बीच में कोमा. द शॉपकीपर लुक एट इट केयरफुली. He took the coin and looked over it. He took the coin. Ranjit got down.
नेक्स्ट सिक्स नंबर का एंड लास्ट एग्जांपल ऑफ द एक्सरसाइज थ्री. Next exercise, exercise number 4. Using present participle. Taking me for a joyride. इस सेंटेंस को आपको
सिंपल सेंटेंस के अंदर कन्वर्ट करना है, ओके तो कैसे करोगे? जस्ट बिफोर आई केम है के, तो उसकी जगह आपको आईएनजी वाला पार्ट प्रेजेंट पार्टिसिपल यूज करना है, तो कम COME केम का मेन वर्ब क्या होता है? COME कम। अब कम के पीछे मुझे आईएनजी लगाना है तो ई निकल जाएगा और क्या बन जाएगा? COFING। जस्ट बिफोर आई केम उसकी जगह मैं क्या लिखूंगी? माय कमिंग। जस्ट बिफोर माय कमिंग टू द कन्वोकेशन, टू द कन्वोकेशन आपको लिखना है आगे, माय कमिंग टू द कन्वोकेशन फिर कोमा द डायरेक्टर होल्स, द डायरेक्टर होल्स टेकिंग मी फॉर अ राइड, फॉर अ जॉय राइड, फॉर अ जॉय राइड। एज इट इज ही सेंटेंस लिखना है, सिर्फ चेंजेस कहां करना है? जस्ट बिफोर आई कैन की जगह आपको क्या लिखना है? माय कमिंग। बाकी का पूरे का पूरा सेंटेंस वैसे का वैसे ही आगे लिखना है, रीराइट करना है, ओके अब जो ये एक्सरसाइज नंबर 4 है उसके अगले जो एग्जांपल है, ठीक है, वो हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर कंटिन्यू करेंगे, ओके तब तक आपको अभी तक जितनी भी एक्सरसाइज हुई है, थियोरी पढ़वाई है पार्ट प्रेजेंट पार्टिसिपल की, वो एक बार फिर से रीड कर लेना है, समझ लेना है, ओके थैंक यू।